In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Dear students, आज हम English subject का lecture number 4 पढ़ेंगे. Class 9th, unit number 7, Sultan Ahmed Masjid. Students, आज इसकी exercise की जाएगी. Question answer जो है वो बाद में किए जाएंगे. अभी फिलहाल ग्लॉसरी वर्ड्स, उसके मीनिंग आपने याद करने हैं, जैसे इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, हॉस्पाइस एंड इन, एम्बेलिश, डेकोरेट, फ्लैम्बॉयंट, कलरफुल और ब्राइट, इंटीरियर, इनसाइड, कार्व्ड, इम्प्रिंटेड, फ्रीक्वेंटेड, विजिटेड, एडोर्न्ड, डेकोरेटेड, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड. वोकैबुलरी वर्ड्स यानी इस थिसॉरस में आप इसके सिनोनिम्स वो आपने याद करने हैं. तो ये भी 5 वर्ड्स हैं: एम्बेलिश, डेकोरेट, इंटीग्रेट, जॉइन, यूनाइट, स्प्लेंडर, ग्लोरी, मेजेस्टी, ग्रैंडियर, इल्यूमिनेट, ब्राइटन. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नंबर बी, सर्कल द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Impressive means, iska antonym jo hai, ulad jo hai, mutzad, unimpressive hoga, is tarah se situated. In Istanbul, the largest ka antonym, smallest, heavy, light, upper, lower, covered, exposed. Next exercise jo hai, wo C hai. Use the following words in sentences. ये 5 words हैं, इनके sentence हैं, बहुत important हैं, आपने बहुत अच्छे इनको learn करना. Impressive, he made a very impressive speech. Dexterously, the building has been designed dexterously. Spacious, the masjid, यहाँ पर mosque लिखा हुआ है, आपने masjid करना है. But the masjid has a spacious forecourt. Humility, his humility wins respect for him. Flamboyant, she wears flamboyant dresses. So students, इसको अच्छी तरह से learn करने के बाद इसकी जो next exercise है वो grammar है. Grammar में जो इसका A part है उसमें place the adverbs at appropriate positions. Adverb आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, उसकी position यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर जो brackets में दिया गया है adverb यू कहाँ पर put होगा. तो ये differently put होते हैं. She often comes here. Often जो है वो she के बाद use होगा. Sometimes he goes to Lahore. Sometimes sentence के start में use होगा. The teacher was hardly ever late. Hardly ever जो है वो late से पहले use होगा. We are usually tired by the end of the day. Usually जो है वो are के बाद use होगा. I have just posted a letter to them. Just जो है वो I have के बाद use होगा. He did his work carefully. एंड पे, सेंटेंस के एंड पे यूज होगा. बी पार्ट इसका, कंप्लीट दिस टेबल विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. डिग्रीज जो हैं वो पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है. पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम किसी चीज़ का, किसी एक चीज़ का को देखते हैं कि वो किस तरह से दी गई है और उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाता. इस तरह कंपैरेटिव में दो चीज़ों का आपस में या दो ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन किया जाता है. सुपरलेटिव में एक चीज़ का एक से ज़्यादा चीज़ों से जो है वो कंपेयर किया जाता है इसको. जैसे केप्ट मच, केप्ट मोर, केप्ट मोस्ट, सेंग ब्यूटीफुली, सेंग मोर ब्यूटीफुली, सेंग मोस्ट ब्यूटीफुली, स्लेप्ट लिटल, स्लेप्ट लेस, स्लेप्ट लीस्ट, looked good, looked better, looked best, arrived early, arrived earlier, arrived earliest, put for or since in the blanks. तो फ्रेंड्स ये आपको since और for का use बताया जा चुका है. जहाँ पर हम इसको put करना चाहें उसमें आपको पता होना चाहिए कि since और for का use कहाँ पर किया जाता है. since जो है जो टाइम जब हमें एग्जैक्ट पता हो तो
हम उसके बारे में उसका सिंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फॉर यूज़ किया जाता है. आई हैव बिन स्टडिंग फॉर आवर्स. आई हैव बिन वॉचिंग टी वी सिंस 7 PM. तारा हैज़न्ट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks. तारा हैज़न्ट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च. ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल. स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी. इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है. स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको सुनें ताकि आपको अच्छा याद हो जाए.